आइए दोस्तों एक बार फिर मैं इस प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको बताता हूं। ये 3 BHK विला है, 3 BHK विला है। उसके अलावा आइए बैठिए। वाओ, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट villa ever listed on this YouTube channel. It's amazing. Look at this property. Man, it's amazing. हेलो दोस्तों, मैं विनय सजवान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी 2050 में, जहां पर हम आपके लिए बेहतरीन प्रॉपर्टीज लेकर आते हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए एक 150 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ विला लेके आए हैं। जी हां, एक कंप्लीट रेडी टू मूव हाउस है, 150 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ 3 BHK हाउस है। 4 तो इसमें वॉशरूम है और उसके अलावा बड़ा ड्राॅइंग रूम है, बड़ा डाइनिंग एरिया है, ह्यूज किचन है। ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। ये प्रॉपर्टी किन के लिए है? जो लोग रेरा अप्रूव्ड MDDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं एक इस तरह का घर जिस पे लोन SBI बैंक भी कर सके आराम से, कोई भी बैंक इसमें इजीली लोन करा ले, उन लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी रिकमेंडेड है। और जो लोग गेटेड कम्युनिटी देखना चाहते हैं, जहाँ पर 24/7 वाटर सप्लाई, अपना इलेक्ट्रिसिटी 24/7 सिक्योरिटी हो, गेटेड कम्युनिटी हो जहाँ पे आप स्पोर्ट फैसिलिटी और अदर एक्टिविटी वगैरह कर सको, उनके लिए ये रिकमेंडेड प्रॉपर्टी है। चक्राता रोड पे है ये दोस्तों, प्रेम नगर से हार्डली 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्लॉक टावर से बात करूँ तो 16 किलोमीटर का एग्जैक्ट डिस्टेंस यहाँ पे पड़ता है। तो आइए इस पूरे घर का टूर लेते हैं। मेरे सामने जो आप देख रहे हो ये पार्किंग है, 18 से 19 फिट की इसकी पार्किंग है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। आपकी पूरी फुल फ्लेज स्कॉर्पियो तक की गाड़ी इसमें आराम से आ जाएगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे लॉन मिलता है, आप कुछ भी गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं। एज इट इज़ तो अभी कारपेट ग्रास लग रखी है, तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। साथ ही में आप देख सकते हो कंसील लाइट लगी हुई है, एक और एंट्री दी हुई है अंदर के लिए, यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हो। अभी हम यहाँ से जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा है ये प्रॉपर्टी उनके लिए रिकमेंडेड है जो चाहते हैं कोई भी गवर्नमेंट बैंक इजीली लोन कर ले, गेटेड कम्युनिटी हो, 24/7 सिक्योरिटी हो, और जहां पार्क वगैरह हो, अपना बच्चों वगैरह के लिए खेलने की जगह हो, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हो, तो उनके लिए प्रॉपर्टी रिकमेंडेड है। तो अब हम आ चुके हैं इस विला पे। आप मेरे साथ देख सकते हो ये पूरा, वैसे तो आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही आप इतनी सारी चीज़ें देख लोगे, आपको खुद ही आँखों से प्यार हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से। आप देखो कितनी अच्छा इन्होंने 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगा रखा है, बड़ा स्पेस है दोस्तों। उसी के अलावा आपका यहाँ पे सोफ़ा सेट भी लगा हुआ है, पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, और डेकोरेटिव आइटम्स कितने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। कई तो ऐसे आइटम हैं जो शायद मैंने भी खुद पर्सनली नहीं देखे, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। उसके अलावा आपको यहाँ पे देखिए कितना ह्यूज किचन मिलता है, ग्रेनाइट यूज़ हो रखा है ऊपर में, मॉड्यूलर किचन है पूरा। उसके अलावा इस किचन के बाद आराम से मतलब 4-5 लोग यहाँ पे आ सकते हैं, गृहिणी जो भी हैं वो बहुत ही एंजॉय करेंगे यहाँ पे इस किचन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं का जाता है पूरा घर पे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग किचन में डिवोट रहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इसी के साथ एक बड़ा सा वॉशिंग एरिया मिलता है, यहाँ पे आप अपना इजीली वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, कुछ भी आपको कपड़े वगैरह रखने, एक्स्ट्रा सामान रखने रख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सिंक दे रखा है, मिक्सर दे रखी है, अगेन कैबिनेट्स दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे भी अपने बर्तन वगैरह धो सकते हैं। आइए इस वॉशिंग एरिया को देखने के बाद, सामने जो आप देख रहे हैं वो ड्राइंग एरिया है। देखिए कितने खूबसूरत सोफे लगा रखे हैं, आई थिंक जो इनके इंटीरियर डिज़ाइनर होंगे काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट करना पड़ेगा
इनके इंटीरियर डिज़ाइनर को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें मेंटेन कर रखी है, कलर वगैरह सब चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है। आप देखो सोफ़ा सेट ब्लू कलर का दे रखा है, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बड़ा स्पेस है, मतलब ह्यूज स्पेस है, इजीली आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसके अलावा बाहर में आपको यहाँ से एंट्री मिलती है, एक एंट्री 14x12 फिट के अराउंड का साइज है ड्राइंग रूम का। यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हैं, खिड़कियाँ देखिए, आपको प्रॉपर सनलाइट मिलती है यहाँ पे। इस कम्युनिटी में आपको 50 से 30 फिट की रोड मिलती है, सिंगल रोड 50 फिट की है, बाकी आपको जो कनेक्टिंग रोड है वो 30 फिट की मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ही प्यारा वॉशरूम दे रखा है, देखिए कितना खूबसूरत वॉशरूम है, पूरा टाइल्स वर्क है, जैगुआर की फिटिंग है, आपका बिग मिरर यूज़ कर रखा है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की इन्होंने यूज़ कर रखी हैं। प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी बन रखी है इनकी, बहुत अच्छा विला है, मतलब जो एक लग्जरी विला देख रहे हैं लग्जरी सेगमेंट में गेटेड कम्युनिटी में, उनके लिए ये प्रॉपर्टी रिकमेंडेड है। आंखों को बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब इतने सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, बहुत ही आंखों को सुकून दे रही है। इसके अलावा आइए, इसके बाद चलते हैं सीधे, ये है आपका बेडरूम एरिया, देखिए यहाँ पे आपका इजीली आपका बेड वगैरह लगा हुआ है ना, उसके बाद भी कितनी सारी जगह बची हुई हैं। यहाँ पे दो चेयर्स भी लग रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो, पूरा मतलब बेड लगाने के बाद भी इतना सारा स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे। उसके साथ यहाँ पे वॉशरूम भी अटैच करके दिया हुआ है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है दोस्तों। 1 BHK आपको 1 बेडरूम सेट नीचे मिल रहा है, 2 बेडरूम सेट ऊपर मिल रहा है। उसके अलावा एक स्टडी रूम भी यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रॉपर्टी पे। आप एक बार वॉशरूम देखिए, कितना बढ़िया वॉशरूम है, दिल खुश हो जाएगा आपका वॉशरूम देख के, पूरा टाइल्स वर्क कर रखा है, 7-7 फिट में आपके पूरे टाइल्स वर्क दे रखे हैं। उसके अलावा वॉल माउंटेड दे रखा है, मिरर्स दे रखे हैं, कैबिनेट्स बना रखा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों ये प्रॉपर्टी कैसे लगी, और हाँ चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी तरह से अपना प्यार बरकरार रखें दोस्तों। कितने अच्छे तरीके से डेकोरम मेंटेन कर रखा है, जो लोग अपना भी घर बना रहे हों उनको भी कई आइडियाज मिल जाएंगे इन वीडियोस को देख के, मतलब इस प्रॉपर्टी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी खुद के लिए अपना घर बना रहे हों, रेडी कर रहे हों, तो आपको भी एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि यार इस तरह का घर हम बना सकते हैं। जो भी मटेरियल इन्होंने यूज़ कर रखा है, जो भी आइटम्स इन्होंने डेकोरेटिव आइटम यूज़ कर रखे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप लगा सकते हैं। देखो पेंटिंग लगाने से कितना फ़र्क पड़ जा रहा है पूरे रूम्स में, मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर एक अच्छी पेंटिंग हो आपके कमरों में तो कितना फ़र्क पड़ता है, घरों की रंगत ही बदल जाती है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें चली जाती हैं। उसके बाद इस रूम के बाद जस्ट अटैच आपको वार्डरोब सेक्शन मिलता है, ये वार्डरोब है पूरा, वहीं से ही आप देख सकते हैं, इसे अच्छा साइज का है, मतलब 3-3.5 फिट यहाँ पे गैप है, उसके बाद वार्डरोब दे रखा है आपका, आराम से आप अपने क्लोथ्स वगैरह रख सकते हैं। ये मिरर सेक्शन दे रखा है यहाँ पे, अपने आपको डेली रेडी होते हुए सुबह जब तैयार होंगे बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आपकी दिखेगी यहाँ पे, मज़ा आ जाएगा। अब ये तो रहा ग्राउंड फ्लोर का टूर, जिसमें आपको 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग रूम, 1 किचन, 1 बेडरूम, 1 वॉशरूम, उसके अलावा 1 कॉमन वॉशरूम यहाँ मिल रहा है, 1 वॉशरूम अंदर मिल रहा है बेडरूम पे, ये तो आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद आइए चलते हैं ऊपर, अब हम ऊपर की प्रॉपर्टी देखेंगे। ये देख रहे हो आप पूरी, आई थिंक ये पेंटिंग है, पेपर पेंट कर रखा है, ये पेपर पेंटिंग होती है वो कर रखा है, आई गेस सो।
उसके अलावा ये आपका टफन ग्लास इन्होंने यूज कर रखा है रेलिंग में, और वुडन वर्क है पूरा, देख सकते हो आप, कंप्लीट वुडन वर्क है। आप देख सकते हो सिटिंग एरिया है, ओपन एरिया है काफी ह्यूज, और आराम से ये तो इन्होंने एक फायरप्लेस जैसा एक लुक दे रखा है। बट आप देख सकते हो पूरी ब्रिक स्ट्रक्चर वाली टाइल्स यूज कर रखी है, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है ये एरिया। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं अपना शाम के वक्त में, अपने यार दोस्तों के साथ बैठ के चिल मार सकते हैं आराम से, वो वाला एरिया है। ऑल दो ये लुक फायरप्लेस जैसा है, बट फायरप्लेस यहाँ पे जलेगा नहीं, ठीक है। तो बट सिटिंग एरिया बहुत प्यारा है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया ये एरिया, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। अगर इस प्रॉपर्टी की बात करें, इस घर की, तो ये मेरे लिए वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस है। उसके अलावा जो लोग पढ़ने का शौक रखते हैं, या आपके घर में बच्चे हैं, किड्स वगैरह हैं, ठीक है, और खुद भी एंजॉय करना चाहते हैं रीडिंग को, तो ये आपके लिए रीडिंग सेक्शन दे रखा है यहाँ पे। तो एज अ सैंपल इन्होंने चेयर लगा रखी है, और आपका टेबल वगैरह दे रखा है, बहुत ही यूनिक स्टाइल का है पूरा टेबल, तो आप यहाँ पे इजीली बैठ के किताबें वगैरह पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आपको ये देख सकते हैं आप, 8 फिट का डोर है, 8 फिट का आपका डोर है, यहाँ से आपको मिलती है बैल्कनी, ये बैल्कनी एरिया है। आइए अब देखते हैं रूम, बेडरूम। आइए, काफी बड़ा बेडरूम है ये, बड़े साइज का बेडरूम है दोस्तों। आराम से देखो आपका बेड वगैरह लगा हुआ है, उसके बाद भी कितना स्पेस मिलता है। और हाँ, एक और बात, लगभग हर कमरे में आपको एसी की फिटिंग मिलेगी। आप देख सकते हो मेरे सामने एसी की फिटिंग दी हुई है। और मैं एक और बात पे आपका थोड़ा सा नजर लगाना चाहूंगा, देखो पेंटिंग से कितना फर्क पड़ता है कमरों के उसमें। आप देख सकते हो इस प्रॉपर्टी में आपको हर कमरे पे, चाहे वो ड्राइंग रूम हो या आपका लॉबी एरिया हो या आप बेडरूम की बात कर लो, पेंटिंग लगा रखी है, बहुत फर्क पड़ता है पेंटिंग से, एक पॉजिटिविटी आती है। अच्छी पेंटिंग हो तो अच्छा आप महसूस करेंगे। यह आपका विंडो है, काफी ह्यूज साइज का विंडो है, मैं पूरा दिखाऊंगा आपको एक बार, देखो ह्यूज साइज का विंडो है। यहाँ से आप बैल्कनी में भी जा सकते हैं, बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है, अगर आप लाइट भी बंद कर दोगे तो भी अच्छी खासी आपको लाइट यहाँ पे मिलती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों प्रॉपर्टी कैसी लगी। उसके बाद हियर कम्स बिग वॉशरूम, देखिए कितना अच्छा वॉशरूम है, मैं जरा जाके बताता हूँ। ये तो आपका देखो वार्डरोब एरिया है, उसके अलावा ये देखो कितना बड़ा वॉशरूम है, 150 गज में प्रॉपर्टी बनी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है हर तरीके से चीजें मैनेज कर रखी हैं। रूम साइज बड़े हैं, आपके वॉशरूम बड़े हैं, आपको ड्राइंग एरिया मिल रहा है, डाइनिंग एरिया मिल रहा है। अब आप देख लो सारी चीज़ें बहुत ही प्रीमियम लगा रखी है, जेगुआर की फिटिंग है, टाइल्स वर्क कर रखा है, शावर लगा रखा है, वॉल माउंट आपकी लगा रखी है, उसके अलावा आपको मिरर दे रखा है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। उसके अलावा यहाँ पे डक्ट एरिया है, इसके बाद ताकि एयर पैसेज वगैरह बढ़िया तरीके से हो, तो ये डक्ट दे रखा है आपका, देख सकते हो आप, अच्छी प्रॉपर्टी है, वेल डिजाइंड है, वेल डेवलप्ड है, मुझे तो बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी मुझे प्रॉपर्टी। ये आपका बैल्कनी में जाने के लिए एरिया है, आइए बैल्कनी देखें, ये बैल्कनी एरिया है दोस्तों। अगर आप अपने लिए चाहें तो इस तरह के यहाँ पे 6 से 7 विला ये अभी अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट 80% जो यहाँ पे विला हैं वो सोल्ड हैं, बट आपको 6 से 7 विला अभी भी ऐसे हैं जो आप अपने लिए ले सकते हैं, रेडी टू मूव। आइए अब जाते हैं
नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। ये रहा माय फेवरेट वन। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से डेकोरम मेंटेन कर रखा है। आपका बेड लग रखा है डबल बेड, उसके अलावा आपके सोफा सेट लग रखे हैं। इजीली आप यहाँ पे बैठ सकते हो, रिलैक्स होके चाय का मजा ले सकते हो। काफी बड़े साइज का बेडरूम है दोस्तों, ह्यूज साइज। मतलब ये फायदा तो होता है, देखो कोई भी आप लोग जो भी व्यूअर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा, जब भी आप बड़े साइज की लैंड लेते हो 150 गज का या 200 गज का, तो ये फ़ायदा तो रहता ही है कि आप चीज़ों को बड़े तौर पे चीज़ें बना सकते हैं। मतलब बड़ा रूम साइज बना सकते हो, बड़ी चीज़ें बना सकते हो। और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, मुझे तो बहुत ही पसंद आई ये प्रॉपर्टी। देखो कितना बड़ा साइज है। इसके बाद भी आपका यहाँ पे विंडो दे रखा है, पीछे बैल्कनी है, इसके बाद भी बैल्कनी है पीछे एरिया पे, वो भी आप देख सकते हैं। आइए अब वॉशरूम देखते हैं। यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम में एक वार्डरोब सेक्शन मिलता है। यहाँ पे एंट्री करते वक्त ये देखिए वार्डरोब सेक्शन है, आप अपने कपड़े वगैरह, जूते, जो भी आपको रखने हैं वो आप रख सकते हैं। उसके अलावा हेयर कम्स द सरप्राइज, देखिए बाथटब आपका दे रखा है। जो भी लोग थोड़ा यूनिक स्टाइल में बाथरूम चाहिए, जिनको बाथटब वगैरह भी उसमें चाहिए अटैच, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। सारी चीज़ें कितनी अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड रखी हुई है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा इनका। आप प्रॉपर्टी में किसी भी जगह घूम लीजिए, आपको हर एरिया को देख के मजा आएगा। सारी प्रीमियम फिटिंग्स है, जैगवार वगैरह की फिटिंग लग रखी है, टाइल्स वर्क भी बहुत प्रॉपर है। ओवरऑल ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी। आइए दोस्तों एक बार फिर मैं इस प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको बताता हूं। ये 3 BHK विला है, 3 BHK विला है। उसके अलावा आइए बैठिए, इट्स अ 3 BHK विला जिसमें आपको 4 वॉशरूम मिलते हैं, एक ड्राइंग रूम मिलता है, एक डाइनिंग एरिया मिलता है ह्यूज साइज का, उसके अलावा एक किचन मिलता है, बड़े साइज का किचन मिलता है। और आप की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो एक गेटेड कम्युनिटी है, 24/7 सिक्योरिटी है। आप किसी भी बैंक से लोन कराना चाहें, चाहे SBI से, आप PNB से कराना चाहें, SDFC से कराना चाहें, ICICI से कराना चाहें, जो भी आपके नॉन बैंक्स हैं उस बैंक से इजीली लोन हो जाएगा। इस तरह के 6 से 7 विला यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये एक सैम्पल विला है, जो भी आप फर्नीचर वगैरह देख रहे हो ये सैम्पल के तौर पर है। मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें आप मूवेबल जो थिंग्स हैं, आइटम्स हैं, वो आपको नहीं मिलेंगी। जो इमूवेबल आइटम्स हैं वो तो एज इट इज़ रहेंगे। तो आप अपने लिए, जो लोग MDD अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं और 150 गज में, 120 गज में अपने लिए विला देखना चाहते हैं सिक्योर्ड कम्युनिटी में, गेटेड कम्युनिटी में, तो उनके लिए मैं ये प्रॉपर्टी रिकमेंड करूँगा। प्रॉपर्टी आपका क्लॉक टावर से मात्र 16 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, प्रेम नगर से हार्डली 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और ऑन रोड से लगती हुई प्रॉपर्टी है। आप यहाँ से इजीली हरियाणा, हिमाचल, पंजाब कनेक्ट कर सकते हो, चंडीगढ़ जा सकते हो इजीली। यहाँ से विकास नगर आप जाना चाहो विकास नगर जा सकते हैं। अब तो डेवलपमेंट इतना सारा हो गया है कि आपको नियर बाय हॉस्पिटल्स वगैरह सब चीज़ें मिलने लग जाती हैं। भविष्य में यहाँ पे ग्राफिक एरा का मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा, सुभारती के मेडिकल कॉलेज मिलेगा, नियर बाय कॉलेज स्कूल्स मिलते हैं, तो उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो भी अपने लिए सभी तरह की सहूलियतें देखना चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल।